नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को हमारे चैनल स्पॉन्टेनियसली ऑसम की तरफ से शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि में हर दिन माँ के अलग स्वरूपों की पूजन एवं अर्चना की जाती है। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है, यानी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजन अर्चना का दिन। माँ का यह रूप भक्तों को मनचाहे वरदान का आशीर्वाद देता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के नौ रूपों में से माता ब्रह्मचारिणी दूसरा स्वरूप है, जो कि ब्रह्म है, अर्थात तप की शक्ति का प्रतीक है। सदियों तक कठोर तप करने के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इस दिन साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए साधना करते हैं। तो आइए जानिए नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, मां सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। 1000 वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की, यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाएं। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की जय। माँ ब्रह्मचारिणी स्त्रोत पाठ। तपश्चारिणी त्वहि तपत्रय निवारिणी ब्रह्म रूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाद्वयम् शंकर प्रिया त्वहि भुक्ति मुक्ति दायनी शांति दा ज्ञान दा ब्रह्मचारिणी प्रणमाद्वयम्। आशा करती हूँ आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे अगले वीडियोस में हम आपको माँ चंद्रघंटा देवी की कथा से अवगत कराएंगे। तो इस नवरात्रि स्पेशल सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल स्पॉन्टेनियसली ऑसम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप इस सीरीज से जुड़े किसी भी अपडेट को मिस ना कर पाएं। जय माता दी।